नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है आज के ताजातरीन खबरों का। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों के नाम और टिकटों को अंतिम रूप देने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच आज हिमाचल के धर्मशाला में क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में वनडे वर्ल्ड कप 2023 का तीसरा मुकाबला खेला जाएगा। यह मैच सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में कोर्ट ने जानलेवा हमला के मामले में 7 दोषियों को 5-5 साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 11,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। गोरखपुर में घूस लेते चकबंदी लेखपाल हुआ गिरफ्तार, एंटी करप्शन की टीम ने सिटी मॉल के पास दबोचा। बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा पत्र लीक मामले में कंकड़बाग थाना पुलिस ने जांच में बड़ा खुलासा किया है, जहां बताया गया है कि गया, दरभंगा और नवादा से चयन के माध्यम से पटना तक आंसर की पहुंची थी। इन सभी जिलों के साथ ही नवादा और पटना में भी पुलिस छापेमारी कर रही है। न्यूज क्लिक के खिलाफ FIR में लगाया गया गंभीर आरोप, देश की स्वयंप्रभुता को चोट पहुंचाने के लिए दुश्मन देश चीन से पैसे लेकर देश के खिलाफ दुष्प्रचार करता था न्यूज क्लिक। शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ने राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को मांग पत्र सौंपते हुए कहा कि पंजाब में ना तो नहर बनेगी और ना ही पानी बाहर जाएगा। सुखबीर ने आगे कहा कि भगवंत मान के मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के काबिल नहीं है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसे ही आपके लाइक कमेंट आते हैं, हमारे खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। और जैसा कि आप जानते हैं कि कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज़ के लास्ट में बताते हैं, इसलिए लास्ट तक न्यूज़ को ज़रूर देखिए। उत्तराखंड में आज से 12 अक्टूबर तक VVIP मूवमेंट रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं, जिसे लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जोर शोर से तैयारियां की गई है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देहरादून में होने वाले मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे, जिसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल शाम को ही देहरादून पहुंच चुके थे। बता दें कि इस बैठक में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीएम शामिल होंगे। आज 2,000 रुपए के नोट को बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा करने का आखिरी मौका है, इसके बाद ये नोट महज एक कागज के ढेर हो जाएंगे। वहीं खबर है कि 2,000 रुपए के 12,000 करोड़ रुपए की कीमत के बैंक के नोट वापस नहीं आए हैं, इस कारण आज बैंकों में भारी भीड़ देखी जा सकती है। मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीखों की घोषणा कभी भी हो सकती है, मतदाता सूची का प्रसारण हो गया है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान यह संकेत देने लगे हैं कि प्रदेश में 10 अक्टूबर से पहले चुनाव आचार संहिता लागू हो सकती है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में वर्ष 2016 में हुए NRI की हत्या के मामले में गुरुवार को कोर्ट ने NRI की पत्नी और उसके प्रेमी को हत्या का दोषी करार दिया, वहीं दोनों की सजा का ऐलान आज होगा। बता दें कि NRI महिला ने ब्रिटेन से इंडिया लाकर प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी थी। आज राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत बाड़मेर के दौरे पर रहेंगे, जहां वे विजन 2030 के लिए सिवाना, पचपदरा और बाड़मेर में बैठक करेंगे। बता दें कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है और सीएम गहलोत लगातार ताबड़तोड़ जनसभा को संबोधित कर जनता को अपने पक्ष में कर रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से मरीजों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां नांदेड़ के बाद अब नागपुर में भी 4 दिनों में 80 मरीजों की मौत हो गई है। अस्पतालों में मरीजों की इतनी तेजी से हो रहे मौत को लेकर प्रशासन और राज्य सरकार पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। राज्य के पूर्व सीएम और शिवसेना UBT के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने राज्य सरकार पर सवाल उठाया और पूछा कि इस समय सीएम कहाँ है। गुजरात के महिसागर जिले में ICICI बैंक में काम करने वाले बैंक मैनेजर विशाल पाटिल की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि आरोपी मैनेजर की कार से 1.17 करोड़ रुपए नगद छीनने के बाद उसके शव को जंगल में फेंक दिया था।
राजस्थान विधानसभा चुनाव की तारीखों के बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक बार फिर से राजस्थान पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लक्ष्मणगढ़ का दौरा कर मोदी कॉलेज में आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां से उन्होंने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि आप बार बार यहां क्यों आ रहे हैं। मैं सत्ता में बैठे लोगों से यह उम्मीद नहीं करता हूं कि वे संवैधानिक पदों को मुद्दा बनाएंगे। यह लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। संवैधानिक पदों का सम्मान होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के देवरिया मामले के बाद लम्हुआ के सखौली गांव में पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर बंधाया ढांढस। बोले, ऐसी कार्रवाई करेंगे पीढ़ियां याद रखेगी। SYL नहर पर हरियाणा के राज्यमंत्री कंवर पाल ने कहा, नहर बनने से किसानों को मिलेगा उनके हक का पानी। झारखंड में दुर्गा पूजा से पहले बिजली दर में प्रति यूनिट 55 पैसे की बढ़ोतरी कर टाटा स्टील ने उपभोक्ताओं को जोरदार झटका दिया है, जहां जमशेदपुर के उपभोक्ताओं के फिक्स चार्ज में 10 से 25 रुपए और एनर्जी चार्ज 10 से 55 पैसे की वृद्धि की गई है। वहीं इसको लेकर जनसुनवाई में उपभोक्ताओं ने विरोध किया। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम TS सिंहदेव ने BJP के उम्मीदवारों को लेकर बड़ा जवाब दिया। सिंहदेव ने कहा कि BJP की अभी केवल 21 उम्मीदवारों की लिस्ट आई है, उनके पास अच्छे उम्मीदवार हैं, लेकिन उन्होंने आगे कहा कि BJP अभी चिंतन कर रही है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को भोपाल से वर्चुअल तरीके से बुधनी विधानसभा क्षेत्र के लिए 260 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्यों का भूमि पूजन और 71 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों का लोकार्पण किया। इस बीच मुख्यमंत्री ने सीहोर के कलेक्टर की भी तारीफ की। हिमाचल प्रदेश में त्रासदी के बाद भी सीएम आपदा कोष में ज्यादा रुपए न आने पर भड़की फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनावत। बोली, शर्म करे हिमाचल सरकार। गुरुवार को जम्मू कश्मीर के थाना मंडी के पास नीली चौकी पर हुई घटना को लेकर भारतीय सेना ने अपने ही मेजर रैंक के एक अधिकारी के खिलाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू की है। बताया जा रहा है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के रजौरी में एक शिविर के अंदर अपने साथियों पर गोलियां चलाई थी। सिक्किम से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां छुट्टियां मनाने आए पश्चिम बंगाल के एक परिवार के 8 सदस्य पिछले 6 दिनों से लापता है। जानकारी के अनुसार वो 1 अक्टूबर को सिक्किम गए थे और सिक्किम में आई आपदा के बाद से लापता है। तो ये थी आज की ताजा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।